देखिए जब विक्रम की फिल्म बनी है पोनील सेल्विन, वो अभी एक नॉवल से ही बनी है और भी पीएस सोनी की फिल्में आएंगी तो उसी नॉवल से स्टोरी लिया जाएगा। अब देखिए एक और पीएस सोनी से मूवी बनाने की प्लानिंग करी जा रही है महाराजा सुहेल देव के ऊपर है। भाई सच में राजा सुहेल देव की स्टोरी भी काफी पावरफुल है, मूवी सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी अगर सही हाथ में गई तो। देखिए पिछले कुछ महीने पहले 20 जून को एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ सुहेल देव। ये महाराजा सुहेल देव की बायोपिक है और भी इस बुक के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, चाहे साउथ के एक्टर हो या बॉलीवुड के, क्योंकि कहानी इतना पावरफुल है कि उस किरदार को हर कोई करना चाहता है। भाई राज ही ऐसे थे, पहले अपने राज्य के राजा बने, फिर बागी बने और फिर अंतिम युद्ध किया, सबको खदेड़ दिया बाहर। देखिए पहले मैं आपको इनकी कहानी बता देता हूँ। ये राजा थे भारत के सरस्वती नाम के राज्य के और उस समय साल हो रहा था 10वीं शताब्दी, जब टर्किस के राजा सब भारत में इन्वेजन कर चुके थे क्योंकि पूर्व में राजस्थान में आखिरी शासक थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपको पता ही होगा उनको छल करके युद्ध में हरा दिया गया था। एक वही थे जो विदेशी को भारत में आने से रोक रहे थे। खैर चले बात है स्टोरी पे। जो टर्किस का राजा गजनी मियां था ना, वो पूरा तबाही मचाते हुए भारत में घुस रहा था और इसने सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ फोड़ दिया था। अतः भी राजा सुहेल देव ने प्रतिज्ञा ली, मैं सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाकर रहूंगा। तब ये आमना सामने की लड़ाई किया गजनी मियां से, लेकिन वह हारने लगे क्योंकि उनके पास सेना कम थी। राजा सुहेल देव अपने कुछ बच्चे हुए लोगों के साथ जंग से दूर चले गए क्योंकि उनको पता चल गया था उसको आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन है। इसलिए फिर बाद में महाराज ने गोरिल्ला वॉरफेयर छुप छुप कर हमला करने वाले सेना को तैयार किए और फिर आखिर में अंतिम युद्ध किया उन टर्किश लोगों से और उनके सेना को भी हरा दिया और साथ में गजनी मियां के बेटों को भी युद्ध में मार दिया महाराज ने और सारे टर्किश के लोगों को भी भारत से खदेड़ फेंक दिया। और तब जाकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, फिर से सोमनाथ मंदिर को बनवाया। और आप जो मंदिर देखते हैं ना, वो महाराजा सुहेल देव जी ने बनाया था, वो अभी युद्ध जीत कर है। और इन्हीं के ऊपर ये किताब बनी है द लेजेंड ऑफ सुहेल देव, जिसके राइटर अमित त्रिपाठी। 325 पेज की बुक है ये, लेकिन भी इस बुक लॉन्च इवेंट पर वरुण धाम भी पहुंचे हुए थे। मैं तो डर गया, ये तो ये फिल्म नहीं करने वाले भाई। इन्होंने आज तक हिस्टोरिकल फिल्म के नाम पर सिर्फ कलंक ही बनाया है और सच में भाई मूवी कलंक भी साबित हो गई थी। लेकिन अमित त्रिपाठी ने ये बोल दिया है वरुण धवन राइट चॉइस नहीं है सुहेल देव के किरदार के लिए, मूवी बनेगी तो सिर्फ रामचरण ही बनाएंगे, उनके सिवाय और कोई नहीं। देखिए रामचरण ने मगधीरा से बता दिया, मैं भी उन गिने चुने एक्टरों में से एक हूँ जो एंसेंट फिल्म को इतने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट कर सकता हूँ। अपने त्रिपलार में कुछ मिनट के लिए भगवान राम जीवन के क्या ही अपना परफॉर्मेंस दिया था रामचरण साहब ने, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डर ये लग रहा है कहीं ये मूवी बॉलीवुड के डायरेक्टर के हाथ में ना सौंप दे अमित त्रिपाठी। भाई महाराजा सुहेल देखो कचड़ा बना देंगे। रिसेंटली पृथ्वीराज चौहान मूवी को कचड़ा बनाया गया ना चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर द्वारा, और फिर सभी नजारा ना देखा जाएगा। बाकी आप ही हमें कमेंट बता दीजिए राजा सुहेल देव की बायोपिक किस डायरेक्टर द्वारा बनना चाहिए, अपनी राय जरूर देना। और साथ में सी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।